शनिवार को बाइक चोरी मामले में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। पिंडराजोड़ा थाना इलाके में पिछले 20 अक्टूबर को हुई बाइक चोरी के मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने चोरी की गई स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। डीएसपी चास प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में अमरेंद्र गोस्वामी, पप्पू सिंह और मनीष कुमार साव शामिल थे। ये सभी एक गिरोह बनाकर नियमित रूप से बाइक चोरी करते थे और चुराई हुई बाइकों को अवैध कोयला चुराने वाले लोगों को बेचते थे। गिरफ्तार अपराधियों पर पहले से ही कई थानों में केस दर्ज है, जिनमें जरीडी, बीएससीटी और अन्य स्थानों के मामले शामिल हैं। इस गिरफ्तारी से पुलिस ने बाइक चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने में सफलता पाई है। इस मौके पर चास थाना प्रभारी खुर्शीद आलम सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। दिनांक 21/10/2024 को फागुनी महतो पिंडराजोड़ा के रहने वाले व्यक्ति है, इनके स्प्लेंडर बाइक की चोरी हुई। प्राप्त सूचना के अनुसार श्री खुर्शीद आलम थाना प्रभारी चास के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया और इनके द्वारा विभिन्न स्थानों पर छापेमारी करके 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, अमरेंद्र गोस्वामी, पप्पू सिंह और मनीष कुमार साव, और इनके निशानदेही पर गाड़ी बरामद किया गया। एक ही गाड़ी, मतलब तीनों आदमी चोरी की? बिल्कुल, ये लोग गिरोह बना के करते थे। ये लोग का आपराधिक इतिहास भी है, पूर्व में भी ये लोग बीएससी थाना, जरीडी थाना, चास थाना से जेल जा चुके हैं। बरामदगी कहाँ से हुई सर, पैसे क्या लेना मिला? गांधीनगर से बरामदगी हो गई, गांधीनगर थाना चल रहा। ये लोग गाड़ी को चोरी, इनका मोडस ऑपरेंडी ऐसा था कि बाइक चोरी करते थे और बाइक चोरी करने के बाद ये इसको बेच देते थे ताकि उस पर अवैध कोयला वगैरह ये सब जो ये लोड करते हैं उनके हाथ में बेच देते थे। और लोड होता था। और आपके माध्यम से हम यह भी अपील करना चाहेंगे कि लोग जब भी अपने बाइक को पार्किंग करें तो गाड़ी में अपनी चाबी, गाड़ी की चाबी लगा के नहीं छोड़ें। इससे क्या होता है कि वो गाड़ी जो है वल्नरेबल हो जाता है, इसलिए हमेशा गाड़ी को लॉक करके ही रखें और सेफ जगह पे ही पार्किंग करें। चलिए, ठीक है।